अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज। आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉकेट वाली कुर्ती बनाना बताऊंगी, और वो भी आप मतलब किस तरह से आपने फिटिंग किस तरह रखनी होती है, पॉकेट किस तरह लगानी होती है। जैसे कि ब्रांडेड स्टाइल में आपको पॉकेट्स वाली कुर्ती देखने को मिलती है, या आप लोगों का दिल चाहता है कि जो पॉकेट्स वाली कुर्ती है उसको बनाया जाए। वैसे तो उसमें बाकी कटिंग वगैरह सेम होती है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो आपने वीडियो को पूरा जरूर देखना है। जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक एक पॉइंट को नोट किया करें, ताकि आपको चीज बनाने में आसानी हो सके। कपड़ा जो मेरे पास है फैब्रिक का, वो पूरे 2.5 मीटर पर है। आप लॉन्ग शर्ट्स पे भी बना सकते हैं। वैसे ये मैं शॉर्ट कुर्ती बना रही हूँ, मतलब शलवार, ढीली सी शलवारों के ऊपर भी आप पॉकेट वाली कुर्ती पहन सकते हैं, बॉक्स ट्राउजर के ऊपर पहन सकते हैं, फुल लॉन्ग शर्ट के बीच में भी आप पॉकेट्स बना सकते हैं। मेथड यही रहेगा। 2.5 गज का कपड़ा है, उसको अच्छी तरह से मैंने प्रेस कर लिया है। यहाँ पे आज मैं स्केल का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन इस पे एक प्रॉपर वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि ये स्केल किन किन मकसद के लिए यूज होता है और कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको सेल्फ प्रिंट भी नजर आ रहा होगा, तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। जैसे कि ये हमारे पास आ रहा है तैयार का हिस्सा, तैयारी का। तो यहाँ से जी मैं ले रही हूँ, फ्रंट पे ही हम निशान लगाते हैं सारे, तो फ्रंट का ही जो है वो साइज तैयार का ले रही हूँ, क्योंकि बैक से भी हमें एक आधा इंच जो है वो आगे की तरफ आता है। तो 35 इंचेस जो है शर्ट की लेंथ तैयार रखनी है, इसलिए मैं 35 इंचेस पर ही मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे जी जो तीरा है वो रख रही हूँ 7.5 इंच पर। कंधे की जो लंबाई है वो 7.5 इंच ही लेकर जा रही हूँ, राउंड पे वो सेट हो जाएगा जितनी हमें चाहिए होगी। फ्रंट के निशान इसलिए लगा रही हूँ कि जो क्या कहते हैं, हमारे पास बैक जब होगी वो कटिंग करने में हमें आसानी होगी। उसके बाद जो हमारे पास हमें चेस्ट चाहिए वो 20 इंचेस का साइज। अब यहाँ पे है जी मेथड नोट करने वाला कि आपने कैसे पॉकेट वाली शर्ट्स पे काम करना होता है। पॉकेट वाली जो शर्ट्स होती हैं उसमें आप फिटिंग का कर्व बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। जैसे 6.5 इंच अगर मेरी फिटिंग लाइन है, तो मैं यहाँ पे 20 इंच अगर चेस्ट है, तो यहाँ पे जी मैं 21 इंच का निशान लगाऊंगी, यानी कि 1 इंच मैंने मजीद शर्ट को लूज किया है। आप बिल्कुल बराबर भी रख सकते हैं, यानी कि 20 इंच भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 20 ही रख लेती हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी इस चीज में भी आसानी हो। बिल्कुल हम इसको स्ट्रेट ले जाएंगे। उसके बाद हमें जो नीचे से चौक है 22 इंच दामन होगा, चौक हम रखेंगे इसके 10 इंच, और 22 इंची हम इसकी हिप लाइन रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे चौक छोटे हैं, इस वजह से हम फिटिंग में नहीं रख सकते। जब उठेंगे बैठेंगे तो हमें कपड़ा जो फिट शर्ट है वो टाइट होगी। अब यहाँ पे जी ये साइजेस जो हैं वो मैंने लगा ली हैं नॉर्मल रूटीन पे, जैसे एक आम शर्ट को कट किया जाता है। आगे आपने अब पॉकेट के लिए क्या करना है, फिटिंग का जो है हमने सारा जो निशान वगैरह है वो हमने लगा लिए। पॉकेट जो हमारी स्टार्ट होगी वो हमारी चेस्ट, ये जो वेस्ट है यहाँ से स्टार्ट होगी, और पॉकेट का जो साइज है वो हमने तकरीबन 5.5 या 6 इंच रखना है, ताकि इजीली हमारा जो हाथ है वो पॉकेट के अंदर इजीली जा सके। ये देखिए, ये मैंने पॉकेट का निशान लगा लिया यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें आपने बहुत ज्यादा वो नहीं रख सकते, आप बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रख सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने आधा आधा इंचेस का जो है वो बीच में मार्क कर रही हूँ। नीचे हम पट्टियां लगा के अंदर की तरफ कर लेंगे, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि बहुत कम मार्जिन रखा हुआ है, तभी आपकी शर्ट एक्यूरेट सेट आएगी। अभी मैं इसकी कटिंग करती हूँ, सिर्फ फ्रंट के 2 हिस्सों की कर रही हूँ अभी।
बैक पे जैसे कि हमें चाहिए होता है 1.5 इंच हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं इस कपड़े को। बाकी हमें सारी जो निशान है वो इसी के अकॉर्डिंग चाहिए। जो हमारी तैयारी के निशान है वो हम लगा देते हैं, ये पॉकेट का निशान, ये हिप लाइन। इसको भी आप कर ले, मतलब बैक को भी हम कट कर देते हैं और उसके बाद पॉकेट किस तरह कटती है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब हमने पॉकेट को कट करना है तो उसके लिए हम जो पीस है वो अलग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास जो पीस है, मैं 12 इंच का पीस ले रही हूँ और फोर्थ फोल्ड में ही कपड़े को हम कट करेंगे। इस तरह से कपड़ा आप इसको साइड पे करें तो ये जो धागे वाला हिस्सा है इसको मैं कट कर रही हूँ ताकि ये हमें स्टिचिंग के टाइम पे डिस्टर्ब ना करे। अब जी जो हमें पॉकेट लेनी है वो कपड़ा तो मैंने 12 इंच का लिया है लेकिन जो पॉकेट की शेप है वो आपने किस तरह से बनानी है। यहाँ से मैं 5 इंच का निशान लगा रही हूँ, एक थोड़ा सा ऐसे ऊपर करके, उसके बाद हम यहाँ से इसको जो शेप है वो किस तरह की देते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमने पॉकेट की जो शेप है वो देनी होती है। कटिंग आपने निशानों के बिल्कुल साथ साथ से नहीं काटना, इसमें भी आपने स्टिचिंग का मार्जिन रखना है। पॉकेट्स भी कट चुकी हैं, यहाँ पे जो शर्ट है वो भी कट चुकी है। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी आसानी के लिए इस तरह से दो निशान भी लगा सकते हैं जहां तक हमारे पॉकेट्स लगनी है या स्टार्ट होनी है। तो चलते हैं जी मशीन पर और मैं आपको बताऊंगी कि आपने पॉकेट्स किस तरह से लगानी है। बाकी शर्ट का मेथड सारा वही है, गला वैसे ही बनना है, दामन वैसे ही फोल्ड होना है। मैं स्टार्ट फिटिंग लाइन से कर रही हूँ और बताऊंगी कि आपने यहाँ पे जो ये पॉकेट्स हैं उनको किस तरह से लगाना है। पॉकेट्स हमने जो कट की थी उनको सबसे पहले जो है वो आपने स्टिच करनी है ऐसे यहाँ से, जैसे जैसे जिस जिस शेप में आपने कट किया है उसी शेप में आपने पॉकेट की सिलाई लगानी है। पॉकेट हमने अटैच कर दिया, अब आप इसके बीच में जो बंद हमने कर दी है इसमें आपने ये वाले जो कट्स हैं इनको ज़रूर लगा देना है ताकि पॉकेट की जो शेप है वो अच्छे से रहे। ये करने के बाद हमारी जो पॉकेट है वो देखें जी, उसका आपने निशान लगा लेने हैं आमने सामने करके। यहाँ से हम इसके साथ निशान लगा लेते हैं जहाँ तक हमारी पॉकेट लगनी है, क्योंकि पहले हमें वो सिलाइयाँ लगानी हैं जो हमारी पॉकेट की सिलाई है। इस तरह से अब पॉकेट भी उल्टी है और शर्ट भी उल्टी है तो मैं इन दो सिलाइयों को आपस में अटैच करती हूँ पहले। जितनी आपकी फिटिंग की जो निशान है उन्हीं पर आपने इसको भी सिलाई भी लगानी है।
इसी तरह हम इसका जो शर्ट का दूसरा हिस्सा है उसको भी अटैच करेंगे। निशान हमने लगाए हुए हैं। इसीलिए स्टिचिंग का जो इस पॉकेट वाली शर्ट है उस पर इतना मार्जिन इसलिए भी नहीं रखा जाता है कि आपको दोनों तरफ सिलाई लगाने में आसानी हो। ये सिलाइयां लगाने के बाद जैसे हमने ये वाले कट्स लगाए थे इसी तरह से हम पॉकेट पे भी कट लगा लेते हैं, इस तरह जहां जहां से हमारी सिलाई स्टार्ट हुई है। पॉकेट हमारी अटैच हो गई है। ये जैसे कि आपको ये देखें, हमने पॉकेट की सिलाइयों को अटैच किया। अब जब हम फिटिंग की सिलाई अटैच करेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी। फिटिंग की सिलाई हम निशान पे ही स्टार्ट करेंगे। जहां से हमारी पॉकेट शुरू हो रही है वहां तक आपने इसको एंड करना है। पक्का करके आप यहां से सिलाई को उतार लें। इसी तरह नीचे से हमने ये देखें जी कट लगाए हुए थे। अब हम इसको इसी तरह से रखेंगे जैसे सारे कपड़े आपस में हम अटैच करके, जैसे ये देखें ये पॉकेट का कपड़ा है, ये हमारा जो शर्ट है उसका, इन सबको आपस में मिलाना है। और वही मेथड है जहाँ से हमारी पॉकेट शुरू हो रही है वहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। पक्का करना है और हिप लाइन तक आप इसको ले जाएं। ये इस तरह से अटैच आएगी। यहां से जी आप इसको भी इस तरह रख के इसके बीच में अटैच कर सकते हैं। स्टार्ट में ही अटैच कर लें तो बेहतर है। ये देखें यहाँ से ये हमारी पॉकेट बड़ी इजीली जो है वो बन गई है। इजीली यहाँ पे आप इसके बीच में यूज कर सकते हैं कुछ भी। ये मैंने अभी छोटी पॉकेट रखी है, आप इसमें जो है अपने साइज के हिसाब से आप बड़ी पॉकेट भी रख सकते हैं। ये छोटी है, छोटी मोटी कोई चीज़ समटाइम हाथ में आपने पैसे पकड़े होते हैं वो आप डाल सकते हैं इसमें, और उसके अलावा आप इसमें मतलब फ़ोन भी डाल सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप इसको बड़ा करते हैं या छोटा ही रखते हैं। इसके अलावा मैं इसकी दूसरी भी लगाती हूँ पॉकेट और फिर मैं आपको बताती हूँ। शर्ट देखिए जी हमारी पॉकेट्स के साथ बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप लोग भी ये तैयार कर सकते हैं, इसमें आप बड़ी पॉकेट भी लगा सकते हैं, छोटी भी लगा सकते हैं। फिटिंग में और शर्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से गला सेम बनाना है, नीचे से दामन वगैरह सेम फोल्ड करना है। बाकी ये देखिए जी ये पॉकेट है हमारी, आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं छोटे मोटे कामों के लिए। अभी तो मुझे इजाजत होगी जी, खुदा हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।